ब्रह्मचारी रहने के लिए, मतलब एक और पॉइंट है ब्रह्मचारी में, आश्रम लाइफ में रहने के लिए कनेक्टेड है, नहीं ब्रह्मचारी घर में ब्रह्मचारी कोई नहीं होता। अगर वो कह रहा है मैं घर में ब्रह्मचारी हूँ तो वो झूठ बोल रहा है, सिंपल। सो ब्रह्मचर्य जो ब्रह्मचर्य पालन करता है उसको बोलते हैं ब्रह्मचारी, क्लियर है। ब्रह्मचर्य शब्द कहाँ से आता है, इसका मतलब क्या है? सो ट्रेडिशनली आप लोग कहोगे ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, ब्रह्मचर्य का मतलब कोई बताएगा? ब्रह्मचरति इति ब्रह्मचर्य, उसका मतलब क्या है? ओके, ब्रह्मचर्य का एक बहुत जनरल मीनिंग है और एक स्पेसिफिक मीनिंग है और एक सुपर स्पेसिफिक मीनिंग है। जनरल मीनिंग समझते हो ना, जनरल क्या है ना, जनरल मीनिंग क्या है ब्रह्मचर्य का, जो कि सिर्फ हमारे गौड़िया वैष्णव नहीं, जो सारे आध्यात्मिक जितने भी स्पिरिचुअलिस्ट हैं सब ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, नहीं सिर्फ, ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में कर रहे हैं, गौड़िया वैष्णविज्म में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य ऋषि मुनियों ने अपनाया, सिर्फ सनातन धर्म क्या, क्रिश्चियनिटी में ब्रह्मचर्य बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है, इस्लाम में, सूफिज़म में स्पेसिफिकली, इस्लाम का जो ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स है उसमें शादी कर लेते हैं वो लोग, सूफिज़म में ब्रह्मचर्य बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है, उसके बाद मतलब कुछ लोगों के द्वारा, उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि ब्रह्मचर्य सिर्फ धार्मिक लोगों ने पालन किया है, बहुत सारे ऑर्डनरी लोगों ने भी ब्रह्मचर्य पालन किया है, धार्मिक रीजन से नहीं, अलग रीजन से। फॉर एग्जांपल कौन है, फॉर एग्जांपल ब्रह्मचर्य किसने पालन किया है? हाँ वेल, धार्मिक नहीं लोग, मोदी हमारा प्राइम मिनिस्टर, सो उन्होंने वो क्यों पालन किया है? वेल, आरएसएस और ये सब ही नहीं, उनकी ट्रेनिंग है जो भी है। गांधी, महात्मा गांधी ब्रह्मचार्य पालन किया, ऑफ कोर्स जैनिज्म का इन्फ्लुएंस था, बट पॉलिटिकल रीजंस भी रहे हैं, जो भी रहे हैं। उसके बाद सर आइज़क न्यूटन, पता है आपको? न्यूटन शादीशुदा नहीं था, पता है किसी को? पता है नहीं था, उसने फॉलो किया। उसके बाद और कौन है, अब्दुल कलाम साइंटिस्ट, पता नहीं वो शायद शादी हुई नहीं शायद शायद खूबसूरत नहीं ना जो ये, पता नहीं, शायद उसने कहा था मुझे टाइम नहीं मिला है ना, टाइम नहीं मिला मुझे। सो उन लोगों ने, एथलीट्स करते हैं कुछ ब्रह्मचर्य पालन, अपना कंजर्व करते हैं सीमन, फोकस लाने के लिए, एनर्जी और फोकस लाने के लिए, वो लोग ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ता है, जैसे कैदी लोग, वो कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे, लड़के नहीं हैं, हाँ करना ही पड़ेगा। सो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य सिर्फ हम लोग धार्मिक लोग कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। तो अब ब्रह्मचर्य के डेफिनेशन क्या है, अगर आप ब्रह्मचर्य की डेफिनेशन सिर्फ धार्मिक एंगल से दोगे तो वो अभी गलत हो जाएगी, है ना। एक यूनिवर्सल डेफिनेशन चाहिए ब्रह्मचर्य का। मतलब है, ब्रह्म का मतलब होता है जनरली उपनिषदों में दो मतलब है, एक है आत्मा और एक है परमात्मा, है ना, ब्रह्मन, आत्मा भी लेते हैं परमात्मा भी। सो परमात्मा के लिए, क्योंकि दोनों मतलब है ब्रह्मन ब्रह्म के, इसलिए परमात्मा के लिए एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं, परब्रह्म, है नहीं, मगर दोनों हो सकते हैं, आत्मा परमात्मा। जैसे हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब आप कह सकते हो, भक्ति सरस्वती ठाकुर कहते हैं ओके, एक मतलब है ब्रह्म का मतलब आत्मा, तो इसका मतलब क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब क्या, मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ब्रह्म का मतलब लो परमात्मा, भगवान, तो उसका मतलब क्या हो गया, मैं भगवान का हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, समास लग गया, तत्पुरुष समास। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है ना? नहीं समझ आ रहा तो हाथ खड़ा कर देना, या कुछ ऐसे कर देना, डू समथिंग, आई डोंट नो, समझ आ रहा है ना। सो ये एक ब्रह्मचर्य का, ब्रह्म का मतलब है आत्मा, चर्य का मतलब होता है हमारा बिहेवियर, हमारा कंडक्ट, हम कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, वो चर्य है नहीं, चर्य, व्यवहार, आचार, उसको मिला के बनता है चर्य।
धर्मशास्त्रों में दो चीज़ें, व्यवहार, तीन चीज़ें होती हैं धर्मशास्त्र में, व्यवहार, आचार और प्रायश्चित। ये तीन टॉपिक्स हैं धर्मशास्त्र में। आप वर्णाश्रम धर्म खोलना चाहते हो, ठीक है, धर्म क्या है बहुत बड़ा टॉपिक है, आप एक लाइन में बता सकते हो, तीन शब्द में बता सकते हैं हम, व्यवहार, आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। आचार मतलब पर्सनल कंडक्ट, हम कैसे चलते हैं, हम कैसे बोलते हैं। आचार मतलब आप खाली कमरे में क्या कर रहे हो, है नहीं, कोई है नहीं, आप क्या कर रहे हो, भैया खिड़की से देख रहे हो, कैसे बैठ रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे बाल बहा रहा है, कैसे हाथ उठा रहा है, वो आचार हो गया। व्यवहार है कि आप और लोगों के साथ क्या कर रहे हो, खाली कमरे नहीं, अभी अभी जो आप करोगे वो क्या होगा, अभी आप वो करोगे वो क्या है, व्यवहार है। खाली कमरे में क्या है, बाथरूम में क्या कर रहे हो आप, आचार, आचार नहीं, आचार। सो पर्सनल कंडक्ट। और अगर आचार और व्यवहार में कुछ गलती हो जाए तो उसको बोलते हैं प्रायश्चित, कुछ प्रायश्चित करना पड़ता है, ठीक है। आचार व्यवहार तो चर्या होती है, आचार और व्यवहार को मिला के चर्या बनता है। तो ब्रह्मचर्य मतलब यूनिवर्सल मतलब है कि मैं, मेरा आचार और व्यवहार, मतलब मेरा आचार और व्यवहार जब शुद्ध होगा तो उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य, प्योर कंडक्ट इंग्लिश में कहते हैं। जब हमारा चर्या शुद्ध होती है तो उसको हम बोलते हैं ब्रह्मचर्य। जब हम अपने कार्यों में, अपने विचारों में, अपनी वाणी में शुद्ध हों तो उसको ब्रह्मचर्य बोला जाता है। क्लियर हो गया। और जब शुद्धता की बात आती है तो सबसे पहली बात आती है सेलिबेसी, है नी, सेलिबेसी मतलब गंदे विचार नहीं आना, है ना। कोई भी कहे भैया आदमी शुद्ध है तो पहला माइंड क्या आता है, माइंड में क्या आता है, हाँ भैया इसमें काम वासना नहीं होगी, तभी तो कहते हैं शुद्ध। क्रोध लोभ बात की बात है, सबसे पहला माइंड आता है भैया शुद्ध है, क्या आएगा, हाँ काम वासना से मुक्त है। इसलिए ब्रह्मचर्य का मतलब वैसे तो बहुत बड़ा मतलब है कि अपने आचार और व्यवहार में शुद्ध है, मगर एक थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दे तो ब्रह्मचर्य का मतलब हो गया जिसके आचार व्यवहार में काम वासना नहीं है, जिसके मन में काम वासना नहीं है। इसलिए ब्रह्मचर्य का मतलब प्योर कंडक्ट हो गया है, ब्रह्मचर्य का मतलब हो गया सेलिबेसी। सेलिबेसी मतलब होता है कि जो काम वासना को एंटरटेन नहीं करता, जो सेक्स को रोकता है, सेक्सुअल इंपल्सेस को रोकता है, समझ गए, यही हम समझते हैं ना ब्रह्मचर्य का मतलब, काम वासना को रोकना, उसको एंटरटेन नहीं करना, वो ब्रह्मचर्य का मतलब हो गया। एक बहुत यूनिवर्सल लेवल पे, जब मन में विचार नहीं आएंगे तो शरीर पे भी ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं ना। क्लियर हो गया। सो ये एक बृहत मतलब है। दूसरा मतलब ब्रह्मचर्य का है, ब्रह्म क्या है, भगवान, है ना, भगवान क्या है, परम सत्य, जो सत्य की चर्या करता है, जो सत्य के पीछे चलता है उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं, वो भी ब्रह्मचर्य। सत्य क्या है, बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं जो सत्य के पीछे चलेगा वो ब्रह्मचारी है। सत्य क्या है, सत्य दो चीज़ें हैं, धर्म और भगवान। इसलिए जो भगवान के पीछे चलता है, जो भगवान को समझता है, जो भगवान की सेवा करता है, वो ब्रह्मचारी है, वो जो हम मतलब लेते हैं, या जो पूरा धार्मिक व्यक्ति है उसको भी ब्रह्मचर्य कहेंगे, वो भी ब्रह्मचारी हो गया। इसलिए वर्ण आश्रम में पहला आश्रम कौन सा है, ब्रह्मचारी, क्योंकि वो धर्म पालन करता है, धर्म पालन, धर्म सीखता है, वो गुरुकुल में रहकर पूरी ट्रेनिंग ले रहा है, इसलिए उसको भी ब्रह्मचारी कह देते हैं। क्लियर हो गया। और वो ब्रह्मचारी उसके बाद चूज कर सकता है गृहस्थ में जाने के लिए, वो फॉल डाउन नहीं है वो। तो आप कहोगे भैया उसने शादी कर ली तो फिर उसने ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग ली, उसने ट्रेनिंग ली है सत्य बोलने की, धर्म के रास्ते पर चलने की, जो कि सत्य है। क्लियर हो गया। सो कितने मतलब हो गए ब्रह्मचारी के, तीन हो गए। पहला मतलब क्या है, अपने आचार और व्यवहार में प्योर रहना, शुद्ध रहना। दूसरा मतलब क्या है कि धर्म की चर्या करना, है ना, और तीसरा मतलब भगवान की चर्या करना, है ना, भगवान के पीछे चलना। सो मगर एक बहुत ही इंटरनल मीनिंग है ब्रह्मचर्य का, जो आपको बहुत काम आएगा लाइफ। अगर आपने तीन डेफिनेशन जान ली तो आप ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, देख लेना आपका फॉल डाउन हो जाए। चौथी डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है, उसका क्या डेफिनेशन है कौन बताएगा। अगर आपने सिर्फ तीन जानी आप फॉल डाउन पक्का है, आप नहीं बच सकते।
चौथी डेफिनेशन जाननी पड़ेगी, तब जाके हम बचेंगे। और वो मैं नहीं बता रहा, वो कृष्णा बता रहे हैं गीता में, और मैं आपको बता दूंगा क्या है कौन सी क्या डेफिनेशन है चौथी। गुरु की प्रसन्नता के लिए काम करना ब्रह्मचारी, ठीक है, एक जनरल सेंस में है। कितने लोग गुरु की प्रसन्नता के लिए करते हैं शादी वादी, होती नहीं है क्या कहते हैं, होती है नहीं होती? ऐसा नहीं है कि वो गुरु की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहा इसलिए शादी हो गई, भी करते हैं, सिंसियरली करते हैं, बट होती है शादी, नॉट अ बैड थिंग, इतना कोई बुरा नहीं है कि बम फूट गया, बट ये डेफिनेशन अपने में कंप्लीट नहीं है, है ना। सो एक डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, ब्रह्म क्या है, भगवान है नहीं, भगवान क्या है, सुना है तैतृय उपनिषद का क्या श्लोक है, कौन बताएगा भगवान को कैसे डिफाइन करते हैं तैतृय उपनिषद में, श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, रसो वई सह रसम ही एवायम लब्धानंदी भवती, भगवान कौन है, रस है, इसलिए ब्रह्मचर्य मतलब रस के पीछे जाना, चरिए, चरिए मतलब होता है आस्वादन भी, चरना गाय चरती है, ब्रह्म प्लस चर प्लस य, य मतलब जो, चर मतलब चरना, ब्रह्म मतलब रस, तो रस का चरवन करता है, जो रस का आस्वादन करता है वो ब्रह्मचारी है। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक पक्का गए हम काम से, क्योंकि कहीं तो रस मिलेगा है नहीं, या तो रस मिलेगा सेक्स में या रस मिलेगा भगवान में, दो ही चीजें हैं। ये डेफिनेशन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लेवल पे, क्लियर हो गया। और इसका क्या श्लोक है गीता में, विषय निवर्तन्ते निराहारस्य दीनः रसवर्जम रसोपियस्य परम दृष्टा निवर्तन्ते। अब इस रस क्या है वो मैं अभी चर्चा करूंगा, अभी तो क्लासेस हैं, बताऊंगा आपको रस क्या है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आपको समझ नहीं आया रस क्या है तो आपको कभी मिलेगा भी नहीं, पहले तो पता होना चाहिए ना है क्या, तब तो लेने का मन करेगा, और फिर मिलेगा भी, जब पता ही नहीं कुछ तो मिलेगा कैसे, यानी जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ, मैं मान लीजिए आपको कहूँ चूचू चाहिए, किसको चाहिए चूचू, आपको चाहिए, चाहिए चूचू नहीं चाहिए ना, आपको पता ही नहीं क्या है, पता ही नहीं आपको क्या है, ऐसी रस चाहिए आपको पता ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो, हाँ थ्योरी में कह सकते हो क्योंकि बहुत सुना है, असली में नहीं कह सकते, असली में आपको लड़की चाहिए हाँ या ना, सही अंदर अंदर झाँक के बताओ अंदर, हाँ तो चाहिए ना, अभी एक लड़की आ जाएगी सब हिल जाओगे, हिल तो जाएंगे, चाहिए अंदर चाहिए रियल्स, क्योंकि हमें पता है लड़की क्या है, हमें पता है उसमें आनंद क्या है, अब इस जन्म से नहीं कई जन्मों से हमें पता है कि एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उस, क्योंकि हमें पता है, हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, रस के बारे में हमें पता नहीं इसलिए हमारा मन भी नहीं कर रहा लेने का, तो एटलीस्ट थ्योरेटिकली कुछ तो आइडिया होना चाहिए, कुछ तो आइडिया होना चाहिए, रस प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, रस क्या, नेक्टर ऑफ डिवोशन में बाय द वे, मेलोस सुना है वर्ड मेलोस, प्रभुपाद कर रहे हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन इज अ बुक टू नो, वो मैं बाद में बताऊंगा क्या है अगली क्लास में, बट आइडिया समझ आ गया, ब्रह्मचार्य के चार मतलब हो गए ना, चार मतलब हो गए, चौथा मतलब बहुत जरूरी है हमारे लिए। ओके सो ब्रह्मचार्य की जब बात आती है तो रस आस्वादन वो हम अभी रख रहे हैं साइड में, वो मैं चर्चा करूंगा अभी, बट ब्रह्मचार्य का मतलब है बेसिकली, अगर कोई कहे ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी है, तो हमारे माइंड में क्या आता है कि ये प्योर है ना, यही माइंड में आता है ना, भी प्योर है, जैसे वो सन्यासी वही सन्यासी है ब्रह्मचारी, हाँ अभी शुद्ध होगा, यही है ना, कॉन्ग्रीगेशन भी तो कहती है हाँ ये प्योर लाइफ लीड कर रहा है, इसकी लाइफ में कोई गंदे विचार नहीं है, गंदे काम नहीं है, ठीक है चलो, ये यही रिलेट करते हैं ब्रह्मचार्य से, है ना। तो प्योरिटी क्या होती है, कौन बताएगा प्योरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, प्योर रहना, हम कहते हैं ना भी प्योर रहो, ब्रह्मचारी हो प्योर रहो, प्योरिटी डिफाइन कैसे होगी, शुद्धता क्या होती है, जीवन में शुद्ध रहना ब्रह्मचर्य है, रस आस्वादन करना वो डेफिनेशन अभी मैं साइड में रख रहा हूँ, अभी ज़्यादा मत सोचो उस पर, अभी हम ये डेफिनेशन ले रहे हैं शुद्ध रहना, प्योर कॉन्डक्ट, ठीक है। सो शुद्ध रहने का मतलब क्या है, शुद्धता होती क्या है, चेतना क्या करूँ,
नहीं क्या करूँ चेतना के बाद के लिए? हाँ डिफाइन करो शुद्धता, चेतना क्या है? अरे वो दूषित तो आपने वही बोल दिया, उसी को तो बोल रहा हूँ, दूषित ना होने का मतलब क्या है, समझ गए ना? वो डिफाइन करने को बोल रहा हूँ शुद्धता। कृष्ण की सेवा करने की जितनी इच्छा है, ये एक एसेंस नहीं है। शुद्धता से सेवा करने की इच्छा आती है, शुद्धता अपने में होती क्या है? क्लियर हो गया? थोड़ा सा डिफरेंस है। आप शुद्ध हो गए तो मन करेगा सेवा करने का, शुद्धता क्या है वो आपने नहीं बताया मुझे। मन कर्म वचन में जो काम क्रोध लोभ, ठीक है आपका मन में काम क्रोध लोभ मोह नहीं आना, वो शुद्ध है, दैट्स ओके। मगर मेरा आर्ग्यूमेंट है कि कौन सन्यासी जिसके मन में काम क्रोध लोभ मोह नहीं आता? एक आंसर बता दो मुझे, ढूंढ के बता दो, जाओ मिल जाए मुझे बता दो, कोई नहीं मिलेगा। मरते दम तक भी काम क्रोध लोभ मोह आता रहेगा, असंभव है उसको हटाना। सो आप इंटरव्यू जाके लो सबसे, आपके मन में आता है 100% कहेंगे हाँ, आपको नहीं पता मुझे इस चीज़ को हटाना इम्पॉसिबल है। तो शुद्धता की परिभाषा क्या हुई फिर? इंटेंशंस प्योर। ओके या थोड़ा सा आ गए हैं सिंपल वर्ड्स में, क्या कह रहे, एक्सप्लेन क्या कह रहे हो बोलो। जो अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने का ट्राई नहीं कर रहा। ओके थोड़ा बहुत आप लाइन पे आए हो, ठीक है, नॉट बैड आइडिया। ये सब तो थ्योरी है, स्वभाव में रहे, मैं स्वभाव में क्या करूँ, मैं स्वभाव में हूँ नहीं हूँ, समझ रहे हो, थ्योरी चल रही है। आंसर ठीक होते हैं बट मैं प्रैक्टिकल आंसर मांग रहा हूँ, है ना? ओके वन थिंग इज दिस, नो मैं अभी इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ, शुद्धता अभी। ओके वेल आई थिंक यू वांट टू से समथिंग। ओके वन थिंग यार, सो आप लोग हो लाइन पे बट मैं इसको सिंपल शब्दों में रख देता हूँ, सिंपल शब्दों में रखना जरूरी है, प्रैक्टिकल शब्दों में। शुद्धता क्या है? शुद्धता का मतलब ये नहीं है कि आपके मन में गलत विचार नहीं आएंगे, पहली बात तो डिस्टर्ब मत होना अगर मन में गलत विचार आ गए तो, कभी भी डिस्टर्ब मत होना लाइफ में, मेरे मन में गलत विचार आ रहे हैं क्या करें, 10 साल बाद भी आ रहे हैं, 25 साल बाद भी आ रहे हैं, अब क्या करें। एक बार वो आपको पता है महाविष्णु महाराज, वो कर पता है ना, तो मैं अमेरिका में था तो ऐसी बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि वो पता नहीं कहाँ बस से आ रहे थे, कहीं जा रहे थे बस से, मुझे नहीं पता कहाँ अमेरिका में। सो उनके उनके पास एक लड़की बैठी थी, यंग लड़की, बिल्कुल यंग मिनी स्कॉट। तो महाविष्णु महाराज कहते थे कि मैं अपने आप को कह रहा था ये आप तो महाराज हो भाई, महाराज हो दिया बुरी बुरे जर्नी कहते रहे महाराज, बस स्टैंड आया चुपचाप। सो गलत विचार सबको आते हैं, मन का स्वभाव है गलत सोचना, समझे? आत्मा एवं आत्मा बंधु, आत्मा एवं रिपोर्ट, मन हमारा हमारे एंटी जाएगा, कई जन्मों से हमें हैबिट है। शुद्धता है कि गलत विचार आएंगे मगर आप गलत विचारों को एंटरटेन नहीं करोगे, एंटरटेन समझते हो, ना उसको रखोगे ना उसको अपने अंदर बुलाओगे। गलत विचार है आपके माइंड में, आप उसको कह रहे हो आ जा घर में मेरे अंदर, नहीं तू बाहर से आ रहा है बाहर से निकल रहा, और ना ही उसको आप इंजॉय करोगे, ना उसको अपने पास बुलाओगे ना उसको इंजॉय करोगे, वो है शुद्धता, समझ गए? और ये मैं नहीं कह रहा, ये शिला प्रभुपाद कह रहे हैं। शिला प्रभुपाद कहाँ कह रहे हैं, आई जस्ट टेल यू, ईसो उपनिषद, पहले तो गीता, गीता का कौन सा श्लोक है भगवान कह रहे हैं कि ये शुद्धता है? गलत विचार आ रहे हैं मगर उसको आप इंजॉय नहीं कर रहे, उसको आप भोग नहीं कर रहे, यही कह रहे हो ना, भोगना भोग कर रहे समझ नहीं आता, गलत विचार आ रहे हैं मगर आपको उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये है, बल्कि आप उसको हेट कर रहे हो। गलत विचार को अगर आप हेट कर रहे हो, आपको पता है गलत है, तो आप शुद्ध हो, समझे? क्लियर हो गया? शिला प्रभुपाद को भी अपनी वाइफ के थॉट्स आते थे, पता है आपको?
लीलामृत में लिख रहे हैं बाबा, प्रभुपाद वृंदावन में बैठे थे, प्रभुपाद कह रहे थे मैं उसे अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा था, हाँ अच्छी थी वो पता नहीं, प्रभुपाद कह रहे अपनी वाइफ के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या प्रभुपाद क्या मतलब शुभ नहीं है? वेल, प्रभुपाद वाइफ के बारे में सोच रहे हैं, बट प्रभुपाद ये भी सोच रहे हैं कि वाइफ और मैरिज लाइफ एंटेंगलमेंट है, समझे? सो हो सकता है एक व्यक्ति लड़की के बारे में सोच रहा है, हम भी सोच रहे हैं, मगर हम सोच रहे हैं लड़की माँ है, वो सोच रहा है लड़की क्या है, खोया है, पता नहीं जो भी है, हाँ महाप्रसाद है, ऐसे ही होता है भोगियों का होता है, ऐसे ही है, जब काम वासना है तो कुछ दिखाई नहीं देता। सो क्लियर हो गया शुद्धता क्या है? भगवान गीता में कह रहे हैं, ये कौन सा श्लोक, 9वां अध्याय 30वां श्लोक, किसी को पता है क्या है? शायद नंबर से ना पता हो, श्लोक पता होता है लोगों को, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। कृष्णा कह रहे हैं अगर मेरे भक्त से कोई अपिचेत सुदुराचार, कोई गलत, बहुत ही गलत काम क्यों ना हो जाए, हैबिट की वजह से, रिफ्लेक्स की वजह से, मतलब रिफ्लेक्स और हैबिट्स तो है ही ना, हमारी संस्कार है, फिर भी कृष्णा कह रहे हैं भजते माम अनन्य भाग, अगर उसकी का गोल क्लियर है, अनन्य मतलब क्या होता है, वो मेरे सिवाय कुछ नहीं चाहता, वो मेरी सेवा करना चाहता है, उसका क्लियर है, उसके माइंड में विचार आ रहे हैं, मगर उसे विचार भी आ रहे हैं, गलत काम भी हो गया, मगर उसके बाद उसको लग रहा है कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए था, मुझे सिर्फ कृष्णा चाहिए, मुझे भोग नहीं चाहिए, तो कृष्णा कह रहे हैं साधु रेव समन्तव्य, मैं इसको क्या मानता हूँ, साधु, साधु मतलब प्योर, दैट्स ऑल, साधु मतलब प्योर पर्सन है, नहीं तभी तो कहते हैं साधु, साधु कहते हैं ना, भगवान कहते हैं मैं उसको शुद्ध मानता हूँ, और समय व्यवस्था हिसाब वो बहुत जल्दी महात्मा बन जाए, शिप्रम भक्ति धर्मात्मा है ना। सो ये शुद्धता का मतलब है, ये प्रैक्टिकल मतलब है, अगर आप एक मीनिंग नहीं लोगे तो फिर आप परेशान हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि माइंड गलत विचार तो आएंगे, कहीं कहीं ब्रह्मचारी घर चले आते हैं ये सोच के यार कि गलत, अभी भी चैंटिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, 2 साल हो गए गलत विचार आ रहे हैं, वेल वो तो मूर्ख हैं क्योंकि 20 साल वाले को भी आ रहे हैं, बट पॉइंट ये है कि डिस्टर्ब नहीं होना, क्योंकि अगर आपको पता है ये गलत है और मुझे इन्जॉय नहीं करना तो चलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरो मत उससे, तभी कृष्णा कह रहे हैं माँ सोचा, समझे, डरो मत, इसमें मैं बात करूँगा। एक और, ये तो एक एविडेंस हो गया, दूसरा एविडेंस है ईसो उपनिषद मंत्र 8, 8वां मंत्र कौन सा है किसी को पता है? वैसे मुझे भी नहीं पता, बट 8वां मंत्र बहुत फेमस मंत्र है, मध्वाचार्य जी कोट कर रहे हैं, मगर उन्होंने उस तरह ट्रांसलेट नहीं किया जिस तरह प्रभुपाद ने किया है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल मंत्र, आपको याद करना याद कर लो, भगवान को ऑफर भी कर सकते हो, वेरी नाइस मंत्र। 8वां मंत्र है सपर्याच शुक्रम अकायम अव्रणम अश्नवीरम शुद्धम अपापविद्धम, ये वर्ड अपापविद्धम ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद प्रॉपर में एक्सप्लेन कर रहे हैं अपापविद्धम को। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्यतो अर्थान विधा च शाश्वतिभ्य समाभ्य। सो वेरी ब्यूटिफुल वर्ड्स, भगवान के बारे में कह रहे हैं, भगवान क्या है, भगवान शुक्रम है, शुक्रम क्या होता है किसी को पता है? शुक्रम, शुक्रम मतलब, वैसे यहाँ पे जो मतलब है यहाँ पे है कि शुक्रम वैसे तो शुक्र होता है, सीमन, वीर्य, ओज, वीर्य मतलब ओज, भगवान का एक नाम शुक्रम है, क्यों? क्योंकि उनमें सुप्रीम पावर है, ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट हिंदी में कैसे कहेंगे, सर्वशक्तिमान, भगवान को शुक्रम कहते हैं, मतलब भगवान का एक नाम सीमन हो गया, इंटरेस्टिंग इंग्लिश में, आई डोंट नो बट दैट्स हाउ इट गोस, पावर। अव्रणम अश्नावीरम शुद्धम, शुद्ध हैं, और अपापविद्धम, शिला प्रभुपाद अपने पर्पट में लिख रहे हैं अपापविद्धम के लिए, इसी के पर्पट में लिख रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, यू कैन सी दिस, लॉर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड अपापविद्धम बिकॉज सिन कैन नॉट टच हिम इवन इफ ही एक्ट्स इन अ वे दैट अपियर्स टू बी सिनफुल, सच एक्शंस आर ऑल गुड। ओके, डिवोटी में अपिय सुदूराचार, भक्त सुर में सुदूराचार हो सकता है, प्रभुपाद इसी में लिख रहे हैं, वेल बिहेव्ड शायद ना हो, है ना, नए नए डिवोटी को बिहेवियर भी नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता इन द बिगनिंग, बट ही शुड बी एक्सेप्टेड एज प्योर,
मगर उसको प्योर मानना चाहिए बिकॉज ही इज़ ऑन राइट पाथ, समझे, क्योंकि वो सही रास्ते पर। प्रभुपाद की डेफिनेशन प्योरिटी की है कि अगर कोई सही रास्ते पे है, सही रास्ता मतलब कि अगर वो भगवान की भक्ति करना चाहता है, उसको पता है भक्ति सही है, उसको पता है भोग गलत है, कृष्ण ही चाहिए मुझे, तो इसका मतलब है वो प्योर है। क्लियर हो गया, क्लियर है सबको? अब ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? एक तो प्रैक्टिकली हम लोगों के लिए, तो अपापविद्धम, अपापविद्धम होता है प्रोफाइलैक्टिक, प्रभुपाल लिख रहे हैं, जैसे वैक्सीन नहीं लेते, वैक्सीन लेने से बीमारी नहीं होती ना, ऐसे ही भगवान की भक्ति वैक्सीन है। अगर आप पाप होंगे भी तो भी आपको ज़्यादा कुछ होगा नहीं, जैसे कोरोना की वैक्सीन नहीं ले लेते हम, तो कोरोना हुआ था लोगों को मगर बच गए, ऐसा नहीं हुआ था मगर उसकी इफेक्ट कम होता है। तो ऐसे हम भक्ति कर रहे हैं तो हम, हो सकता है गलत विचार आए, वो आ चाहे सब आए, मगर हमारे ऊपर इम्प्रेशन नहीं पड़ेंगे, संस्कार नहीं पड़ेंगे उसके, समझ गए, हम फंसेंगे नहीं उसमें, हम फंसेंगे नहीं। अगर आप क्लियर हो, भक्ति कर रहे हो सही से, आपको भोग नहीं करना, तो हो सकता है आप सड़क पे लड़की चलते हुए देखो सुंदर, आपका मन भी करे, आपके मन में भी आएगी, वो आश्रम में आ जाओगे, दो दिन घूमती रहेगी, मगर आपको पता है नहीं यार ये सब गलत है, हमें नहीं करना, तो भगवान की नज़र में आप क्या हो, आप शुद्ध। या हो सकता है आपको अपने कॉलेज की कोई गर्लफ्रेंड याद आ जाए, आती है सबको, आती है कोई ना कोई लड़की होगी याद आती होगी, खाली बैठ गई, हाँ यार ऐसा था, वो सब ये होता है ब्रह्मचर्य लाइफ में। सो आपको यार ये क्या हो रहा है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप कन्विंस्ड हो नहीं नहीं मुझे छोड़ना है, गलत है, अब मैं आ गया हूँ, तो आप प्योर हो भगवान की नज़र, क्लियर है, क्योंकि भगवान क्या, अपापविद्धम, भगवान वैक्सीन है, आपको उस विचार, आप विचार, आप वो विचार आपको नीचे खींच के नहीं लाएगा। ओके, सो दैट इज प्योरिटी, क्लियर हो गया। अब ये डेफिनेशन प्योरिटी की एक और बहुत ज़रूरत है, कि ये आपको पता होना चाहिए किससे लड़ने के लिए। अगर आपको ये परिभाषा नहीं पता तो आप एक कुछ लोगों से लड़ाई नहीं कर सकते। कौन है वो, कौन बताएगा, फिल इन द ब्लैंक। ऋत्विक, ऋत्विक पता है ना क्या है, अगर आपको एक शुद्ध प्योरिटी की डेफिनेशन नहीं पता तो आप ऋत्विक वालों से लड़ाई नहीं कर सकते। ऋत्विक वाले ये कहते हैं देखो गुरु प्योर होना चाहिए, इस कौन में कोई प्योर गुरु नहीं है, इसलिए सीधा दीक्षा गुरु कौन है, प्रभुपाद है, बाकी शिक्षा गुरु हैं बेवकूफ़ हैं, उनकी प्योरिटी की गलत परिभाषा है। प्रभुपाद ने तो कहा है कि जो बाकी सब भी प्योर हैं, अगर उनको अगर भोगने की इच्छा नहीं है, है नहीं, सो आपको उनको ही बताना पड़ेगा कि यार तुम्हारी डेफिनेशन ही गलत है प्योरिटी की, समझ गए, क्लियर है। तो ये ऋत्विक से लड़ाई करने के लिए भी हमें एविडेंस चाहिए प्योरिटी क्या है। ओके, बाय द वे ओके, अब मुझे बताओ कि प्योर रहना कैसे। मैंने तो बता दिया डेफिनेशन ये है, मन में विचार है मगर आप भोग नहीं करना चाहते तो प्योर हो, मगर हम भोग तो करना चाहते हैं, चाहते हैं नहीं चाहते हैं, अंदर से आ तो जाएगा ही, कभी आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुए, कभी थक गए तो माइंड वीक हो गया, आप वीक हो गए तो माइंड हावी हो जाएगा, वीक होता है, नहीं होता है, हो जाएगा। तो डेफिनेशन में तो अच्छा लग रहा है, बट प्रैक्टिकली कैसे रहें हम प्योर, कैसे रहें कि हमेशा हमारे माइंड में बना रहे ओके मुझे इन्जॉय नहीं करना, ये थॉट्स आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उससे प्रभावित नहीं होऊंगा, बस। सो प्रैक्टिकल क्या 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 अंडरस्टैंडिंग है, ओके दो चीज़ें कर सकते हो आप, एक अंदर और एक बाहर, एक प्रैक्टिस अंदर चलेगी माइंड में, एक प्रैक्टिस बाहर चलेगी, अंतरंग और बहिरंग प्रैक्टिस ब्रह्मचर्य फॉलो करने के लिए। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप फॉलो करोगे तो बेनिफिट होगा। थ्योरी में आप पढ़ते रहना ये पॉइंट वो पॉइंट वो पॉइंट वो आप पढ़ते रहना, वो फिर क्लास देने में कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, इंटरनल क्या करना है हमें, इंटरनल क्या कर रहा है। नारद मुनि ने एक श्लोक बोला है, 7th canto 15th chapter 22nd verse, ये लिख लो, ये अपने कॉपिन पे लिख लेना शायद याद रहे मेरी प्रॉब्लम। 7th canto 15th chapter 22 verse, 7 15 22, बस यही रास्ता और कोई रास्ता नहीं है। नारद मुनि ने बोल दिया तो फिर और क्या रास्ता होगा, नारद मुनि तो, नारद मुनि सबसे प्रैक्टिकल बंदे हैं पूरी भागवतम में,
बाकी थोड़ा सा थ्योरी बोलते रहते हैं, नारद मुनि हमेशा प्रैक्टिकल एडवाइस देख लेना, पढ़ के देख लेना। और ब्रह्मचारी भी है तो उनकी एडवाइस बेस्ट होगी, इसलिए नारद मुनि की हम फॉलो करते हैं उनको, एज अ प्रीचर भी नारद मुनि को फॉलो करते हैं। सो 7:15:22 क्या श्लोक है? असंकल्पात जयेत कामम क्रोधम कामा विवर्जनात् अर्थान अर्थे सक्ष अर्थे क्षया लोभम भयम तत्वा अमर्शनात्। आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, असंकल्पात जयेत कामम, बस यही लाइन है, असंकल्पात जयेत कामम। नारद मुनि ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी, असंकल्पात जयेत कामम, इसका मतलब क्या है? नारद मुनि ये नहीं कह रहे संकल्प से काम वासना को जय करोगे, नारद मुनि कह रहे असंकल्प से काम वासना को जय करोगे, इसका मतलब क्या कौन बताए? वैसे तो हम सोचते हैं संकल्प से करेंगे, है नहीं, हम काम वासना विजय कर रहे हैं कर लेंगे, नारद मुनि कह रहे नहीं असंकल्प से करोगे। क्या कहना चाहते हैं? डिफरेंस है दोनों में, बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम संकल्प ले रहे हैं हम ब्रह्मचार्य पालन करेंगे, नारद मुनि कहना नहीं आप असंकल्प से करोगे। कौन सोच के बताया? कोई जीनियस है यहाँ पे? कोई मल्टीविटामिन खाता है? कोई कुछ है पता नहीं क्या मतलब है? ओके, असंकल्पात, संकल्प लेना मतलब कि मैं ब्रह्मचार्य रहूंगा, एक ही है, इससे नहीं होगा। हाँ सोचो कि मैं रहूंगा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, आपकी शादी हो जाएगी, क्योंकि क्या है कि आप ज़्यादा सोचोगे ब्रह्मचारी रहूँगा 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 तो प्रॉब्लम है, उसमें कंप्लीट पिक्चर नहीं है। हम सोचते हैं हम रहते हैं बट कंप्लीट नहीं है। नारद मुनि कह रहे हैं असंकल्पात, आपका संकल्प ये होना चाहिए कि आपका भोगने का संकल्प नहीं होना चाहिए। संकल्प यहाँ पे ले रहे हैं भोगने का संकल्प, अ लगा रहे हैं तो मतलब ब्रह्मचार्य तब आप लाइफ में रह सकते हो जब आपका ये संकल्प हो कि मैं भोग नहीं करूँगा। जब भोगने का संकल्प नहीं होगा तो आप काम वासना को विजय करोगे। क्लियर हो गया? यही डेफिनेशन दी थी मैंने प्योरिटी की, मन में विचार आ रहे हैं मगर मैं भोग नहीं करूंगा। शीला प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं पॉपर्ट में, विश्वनाथ ठाकुर को कोट करते, मन में विचार आएगा कि मैं शादी करूंगा मगर हम क्या सोच रहे हैं? हम शादी नहीं करेंगे, हम सेक्स करेंगे, हम नहीं करेंगे। अब विश्वनाथ ठाकुर एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे एकादशी के दिन हम सुबह सोचते हैं कि आज मैं अन्न नहीं खाऊंगा, सोचते नहीं सोचते तो मन भी नहीं करता खाने में, मन ही नहीं करता। देखना अभी तो निर्जल एकादशी आ रही है आई थिंक, तो हम सोचेंगे हम पानी नहीं पियेंगे तो पूरे दिन नहीं करता मन, ठीक है। कुछ लोग करता है जो प्रैक्टिस नहीं है बट जनरली फिर भूल जाते हैं, चलो अभी ठीक है अगले दिन नहीं पियेंगे। तो इसलिए भोग ना करने का संकल्प से ही काम वासना विजय कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है इसका। क्लियर है? ये अंदर होना चाहिए, मुझे इंजॉय नहीं करना बस। जब भी थॉट है एंजॉय करने का आपको अपने को बोलना मुझे नहीं करना मुझे इंजॉय बस। क्यों नहीं करना? माइंड कहेगा क्यों नहीं करना भाई, कर ले उसमें क्या है, माइंड तो कहेगा ना उल्टी उल्टी बातें, क्यों नहीं करना? को बुद्धि से कुछ आपको लॉजिक देने पड़ेंगे उसको, वरना बैठेगा नहीं। तो क्यों नहीं करना एंजॉय बताना। चलो ये मैं आखिरी में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, रुक जाओ, ये लिख लो आप, क्यों नहीं करना सेंट्रल क्वेश्चन है इस पूरी क्लास का, मगर आपसे पूछूंगा मैं, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर आपको रीजन नहीं पता तो आप माइंड को रोक नहीं पाओगे, एक सही लॉजिक देना पड़ेगा माइंड को। ओके, ये इंटरनली एक्सटर्नली कुछ करना होगा आपको। अब मैं ब्रह्मचार्य पालन की बात, मैं 10 साल 12 साल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ लाइफ के एंड तक, और वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जब आप कृष्णा कॉन्शियस में आपको 10 साल हो गए तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी पैदा ही हुआ, समझे? 10 साल के बाद बच्चा पैदा होता है इस कौन में अभी तो आप पेट में ही हो, सीरियसली वो इतना आसान नहीं है लाइफ के एंड तक। मैं महाराज के साथ बात कर रहा था, गुरु महाराज कहते कि ठीक है, गुरु महाराज कहते तो तुम लोग संन्यास ले लो, हम लोगों को जैसे भी है। तो मैं चुप था, तो महाराज ने कहा वेल किशन, तुम आखिरी सांस तक ब्रह्मचार्य पालन करना चाहते? मैंने कहा ऑब्वियसली महाराज। महाराज ने कहा ठीक है, फिर ठीक है।
तो चलो वो तो बात हुई, बट पॉइंट वहाँ पे बहुत क्रूशल था कि आखिरी सांस तक हमें फॉलो करना है, और ऐसा होता नहीं। इस्कॉन की हिस्ट्री में बहुत सारे सन्यासी का फॉल डाउन हो चुका है, पता ही है ना सबको, और कोई नई बात नहीं है, हो जाता है 30 साल 40 साल बाद। तो मैं उस ब्रह्मचर्य की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा कि आपको 10 साल हो गए तो हम ब्रह्मचर्य पालन कर लिए, वो मैं बात नहीं कर रहा। मैं आपको वो प्रैक्टिकल एडवाइजेस दे रहा हूँ जो आप पूरी लाइफ कर सकते हो, जो आपको पूरी लाइफ बचाएगा, मृत्यु तक बचाएगा। अदरवाइज आप इन पॉइंट्स के बिना पूरी लाइफ नहीं कर पाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे बीच में, है ना। अब यहाँ पे तो कोई, यहाँ पे कोई लड़की तो है नहीं जो आपको प्यार करके इमोशनल सपोर्ट देते, ऐसा तो कोई नहीं है नहीं। आप डिस्टर्ब हो गए, कोई आपको बोलेगा अरे इधर आ बच्चे इधर आ जा, कोई नहीं यहाँ पे, कोई नहीं, कोई काउंसलिंग कर देंगे बैठ, हाँ भैया तू सीरियस रहे, ऐसा मत कर, कुछ मत कर, अपने रूम में बैठ के लेटे सोच रहे हो यार क्या है मैं क्या करूँ। सो वो फिर आप कहोगे यार एक वाइफ होती अच्छा रहता, कुछ प्यार तो मिलता। वो बहुत सारे चीज़ें हैं, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। बट वैसे मुझे बाय द वे जस्ट मैं थोड़ा डी रूट लेना चाहता हूँ, ब्रह्मचार्य लाइफ में लोग ब्रह्मचार्य छोड़ते क्यों हैं, क्या क्या कारण जल्दी बता दो मुझे, क्यों फॉल डाउन होता है, क्यों क्यों छोड़ देते हैं, क्यों शादी कर लेते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण क्या है? ओके, लोनलीनेस, अकेलापन, वही। एक डिवोटी थे, मैं एलए में था तो शादीशुदा था, तो पहले ब्रह्मचारी था, तो मैं उसके रूम में रहने लगा। तो मैंने उस, तो वो उनसे कह रहा, मैंने कहा यार तूने शादी क्यों कर ली, कह दे प्रभु जी कोई प्रेम करने वाला ही नहीं है ब्रह्मचारी आश्रम में। तो मैंने कहा क्या है यार इतने सारे डिवोटीज़ हैं, आराम से रहो, फ्रेंडशिप करो। कहते हैं ऐसे थोड़ा ना होता है, जब शादी होती है, जब घर आते हैं तो पत्नी आराम से हाथ फेरती है, कैसे हो क्या हो, किस करती है, वो होता है ना प्रेम, यहाँ थोड़े ना कोई किस करने अगर होमो तो बात है। तो मैंने कहा बात तो ठीक है, थोड़ा सा वो तो है ही, मतलब इतना तो बॉन्ड नहीं होगा ना, आप होमो तो बात अलग है, बट अदरवाइज आजकल तो क्या है सब ब्रह्मचार्य आश्रम में होमो बहुत होते हैं, यहाँ पे कौन है मुझे नहीं पता, बट मैं तो शुरू से देख रहा हूँ बन भी जाते हैं लोग, अगर सही से ब्रह्मचार्य प्रैक्टिस ना करो और दबा दबा के फिर दिमाग आउट हो जाता है, कुछ और ही होने लगता है, वो यूनिवर्सल फिनोमेना आप देख लेना। और भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर का टाइम से है, अभी से नहीं है कि मॉडर्न फिनोमेना है। और 2000 साल क्रिश्चियन वर्ल्ड में होमोज बहुत बन गए थे ऐसे ब्रह्मचारी लाइफ में सप्रेस कर करके आर्टिफिशियली, उन्होंने सही से प्रैक्टिस नहीं की, तो कहीं तो निकलेगा ना, कुछ तो निकलेगा। सो बस, तो वो फिर वैसा हो जाता है। एनी वे, सो लोनलीनेस, और क्या कारण है ब्रह्मचारी लाइफ में गिरने का? हाँ, असंतुष्टि कृष्ण कॉन्शियसनेस है, हाँ यही बात है। हेल्थ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हेल्थ ठीक नहीं होगी तो माइंड डिस्टर्ब होता है, फिर आदमी कहता है छोड़ दो यार ये सब, अकेले कैसे होगा, नहीं हेल्थ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ब्रह्मचारी में, इसलिए ब्रह्मचारी को हेल्थ अच्छी तरह मेंटेन करनी चाहिए। हेल्थ के थोड़े प्रिंसिपल्स ही पता होने चाहिए, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं चाहते तो गुड बाय, मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि वो बात कर लेंगे अच्युत कृष्ण गुरु से, बता दूँ, बताएंगे फिर क्लास में हेल्थ के प्रिंसिपल बता दूँ, बट आपसे डिस्कस करनी पड़ेगी वो चीज़ें। सो ठीक है, सो और क्या कारण है? हेल्थ, लोनलीनेस, असंतुष्टि और सेवा में प्रॉपर एंगेज। ओके, सेवा में प्रॉपर एंगेजमेंट नहीं होना, तब भी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, ये बात सही है। वीक साधना, हाँ वीक असंतुष्टि में आ गया, हाँ वीक साधना हो तो आदमी माइंड डिस्टर्ब वो हो गया। हाँ, किससे? माता जी से है? ओके, वो लोनलीनेस में आ गया ना, लोनलीनेस में आ गया, फ्रेंड्स नहीं बन रहे आपके, कुछ नहीं हो रहा, आप बात नहीं कर रहे, पता नहीं क्या कर रहे हो। वेल, ये पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है, कई लोगों की मिशनरी स्पिरिट थी और असली मिशन में निकल गए, वो थोड़ा पॉइंट सही है, बट मैं फर्स्ट नहीं करता, मैं फर्स्ट कुछ कारण पूछ रहा हूँ। पॉलिटिक्स, टेबल पॉलिटिक्स, वो परेशान हो जाते हैं, जहाँ चार लोग यहाँ पॉलिटिक्स तो होगी होगी, आप में कैपेसिटी होनी चाहिए उसको हैंडल करने की, इतना है बस। पॉलिटिक्स में तो चुगली, इधर उधर कुछ ना कुछ तो होगा ही, घर में भी होता है, चार लोग होते हैं, कोई बहन बोल रही है, आपको पता होना चाहिए, अरे नॉर्मल है, ठीक है ना।
सो ये सारी चीज़ें बेसिकली दो चीज़ें, फ्यूचर सिक्योरिटी, आगे क्या होगा। अभी यंग हो अभी नहीं पता लगेगा, जब आप जब एज हो जाएगी ना 45-46 तब आपको फ्यूचर सिक्योरिटी की टेंशन होगी। लोनलीनेस और हेल्थ, ये तीन मेन कारण है। हाँ, और ऑफ कोर्स चौथा संतुष्ट नहीं रहना, खुश नहीं रहना कृष्ण कॉन्शियसनेस में, ये चार ही कारण है जिससे लोग डूबते हैं। ऑफ कोर्स पांचवा कारण है, कोई लड़की आपके पीछे पड़ गई तो गया काम से। आप कुछ नहीं कर रहे, वो कोई आपके पीछे पड़ जाए तो आप बच नहीं सकते। कोई लड़की पीछे पड़ गई तो आप नहीं बच पाओगे। बस तो वो भगवान से प्रे करना चाहिए, भगवान कोई पीछे ना पड़ जाए। इसलिए ब्रह्मचारी लाइफ में ज़्यादा कोई धूम धमाके नहीं रहना चाहिए कि बिल्कुल तेल लगा के चले गए तो फंस जाओगे आप। सीरियसली करते हैं नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, होता है ऐसा। बिल्कुल टिप टॉप कपड़े और वो कोई पट्टा पहना है, प्रेस करके अपना आराम से पूरा प्रेस्ड कपड़े। हाँ, अगर आप किसी बिग पर्सन से मिलने जा रहे हो तो आपको क्लीन होके जाना पड़ेगा, बट हमेशा ऐसा रहना टिप टॉप चम चमक के तो फिर गया तो आप गए कहाँ से, वो नहीं बन सकते। क्योंकि लड़कियाँ अच्छे ब्रह्मचारियों को ढूंढ रही होती हैं। आप उनके एंगल से देखो, जो डिवोटी लड़कियाँ तो अच्छे ब्रह्मचारियों को ढूंढ रही होती हैं, गंदे ब्रह्मचारी उन्होंने शादी करेगी क्यों करेगी वो, इसको भी तो है मुझे अच्छा ब्रह्मचारी। सो थोड़ा क्या कहते हैं उसको, कॉन्ट्रडिक्शन विरोधाभास है थोड़ा, है ना। अच्छे ब्रह्मचारी को ढूंढ रही है और अच्छा ब्रह्मचारी शादी नहीं करना चाहता, अब ये बड़ी प्रॉब्लम है। सो ये चार पांच कारण ध्यान रखना है। ओके, तो एक्सटर्नल रीजंस क्या है ब्रह्मचारी रहने के, ब्रह्मचारी हम कैसे मेंटेन करें, एक्सटर्नल रीजंस इसी से समझ आएगा आपको। पहला तरीका, इंटरनल तो बता दिया, असंकल्पा जयेत कामम। एक्सटर्नली बाहर से क्या करें हम कि जिससे हम ब्रह्मचारी मेंटेन कर सकें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन, ब्रह्मचर्य। डिसिप्लिन ही सारे धर्मशास्त्रों में आएगा। संयम, संयम होना चाहिए। आश्रम लाइफ में अपने आप डिसिप्लिन होता है काफ़ी हद तक, बट पर्सनल लाइफ में डिसिप्लिन समझते हैं ना आप लोग, है ना, अनुशासित लाइफ। आश्रम लाइफ बनाई इसलिए गई है कि अनुशासन हो जाए, तो ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बट एक पर्सनल लाइफ में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि टाइम पे चीज़ें करो, और दूसरा मतलब ये है कि जो चीज़ है उसको वहीं रखो, समझे। ऐसा ना हो कि आपके रूम में जाए और सब बिखरा पड़ा है, तो वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। डिसिप्लिन टाइम के साथ होता है, क्लीननेस चीज़ों के साथ होता है, दोनों चीज़ें चीज़ों के साथ जो डिसिप्लिन होता है उसको क्लीननेस कहते हैं, समझे, समझ गए। क्लीननेस का मतलब ही होता है टाइम के साथ जो हम संयम रखते हैं उसको डिसिप्लिन कहते हैं, चीज़ों के साथ जो हम संयम रखते हैं उसको क्लीननेस कहते हैं। जो चीज़ है वो उसी जगह पे रखना, वो नहीं करोगे तो पूरे तमोगुण में चले जाओगे। माइंड जैसे कमरा डिसऑर्डर्ड है, ऐसे माइंड भी डिसऑर्डर्ड हो जाएगा। आप गुरु महाराज को देख लो, परफेक्ट नहीं रहते, मतलब आप यानी जो सर्वेंट बना उसको पता है एक चीज़ इधर से उधर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर चीज़ें इधर से उधर होंगी तो आपको हैबिट पड़ जाएगी माइंड में भी चीज़ों को इधर उधर रखने की, विचारों को, पूरा माइंड भी कचूंबर बन जाएगा आपका। सो डिसिप्लिन और क्लीनिनेस, ये ध्यान रखना। मध्वाचार्य ने पूरा आर्टिकल लिखा है अपने ऋग्वेद की कमेंट्री में कि ब्रह्मचार्य का एक ही तरीका है क्लीनिनेस, शौचम, क्लीनिनेस, और नहीं हो सकता, असंभव है। और क्लीनिनेस का मतलब ये नहीं कि अपने पूछना मार दे झाड़ू मार दी, नहीं। क्लीनिनेस का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया, क्या है, डिसिप्लिन विथ थिंग, जो चीज़ जहाँ है वहीं रखो, बाथरूम में जो चीज़ जहाँ है वहीं रखो। ये नहीं आपने सोप उधर फेंक दिया, वो वहाँ फेंक दिया, वो चिल्ला रहा है कहाँ है मेरा सर्फ, वो कह रहे वहाँ कहाँ है, वो सब एक वो नहीं रख पाओगे। आपकी हैबिट गंदी बन जाएगी, समझे, जो बाहर की है वो अंदर घुस जाएगी आपकी हैबिट। रूम में भी ऐसी होना चाहिए। कलयुग में इसलिए लिखा है ब्रह्मचारी गंदे रहेंगे, प्रिडिक्शन है। आपको कहाँ गंदे भी रोज़ पूछना मारते ना, ऐसे नहीं पता लगेगा, अलमारी खोलो तब पता लगेगा कहाँ क्या चीज़ रखी है आपने। अभी तुमने सामान क्यों रखा है, प्रभु जी हम भूल गए थे, भूलना भूलना कुछ नहीं है, हैबिट की बात होती है। सो डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट, क्लीनिनेस दो आ गए। तीसरी चीज़ है, डिसिप्लिन तो आश्रम लाइफ में हो जाएगा, क्लीनिनेस आपको पर्सनल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझे। तीसरी चीज़ है एक्सटर्नल, हमेशा बात करो लोगों से, अकेले मत रहो।
मैंने बताया था फॉल डाउन को क्या कारण, लोनलीनेस ना। अगर आप ब्रह्मचारी आश्रम में अकेले पड़े रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे, ये सोच के कि मैं तो बहुत सीरियस डिवोटी हूँ और प्रज्वलित नहीं करूँगा कभी, तो आप गए, बस आप गए काम से, समझे। तो ऑफकोर्स मैं नहीं कह रहा प्रज्वलित करना है, बट आपके कुछ फ्रेंड्स होने चाहिए और कुछ बात करना चाहिए और किस कोई होना चाहिए जिससे आप कुछ शेयर कर पाओ अपनी बातें, समझे। कोई तो होना चाहिए ना, जो सीनियर हो या साथ साथ वाला कोई बंदा हो जिससे आप अपनी बातें कर पाओ, यू नो लाइक भूया माँ कहती कोई होना चाहिए, वो नहीं होगा तो वाइफ लेनी पड़ेगी। किसी से तो बात करोगे, अभी तो हम भगवान से तो बात कर नहीं सकते, कॉन्टैक्ट तो है नहीं। आप प्योर डिवोटी हो तो भगवान से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाए, गुरु से बात कर नहीं सकते आप, अब इंस्टीट्यूशनल सिनेरियो में तो नहीं कर सकते ना गुरु से बात, गुरु कहीं ट्रैवल कर रहे हैं कुछ, आप वैसे भी नहीं कर सकते, उनके हजार डिसाइपल्स हैं, तो किससे करोगे आप, किससे करोगे, घर फोन में लगे मम्मी से किसे तो करोगे, टेम्पल प्रेजिडेंट से करोगे नहीं, वो तो फिर प्रॉब्लम में आया तो वो हो नहीं सकता। तो कोई फ्रेंड होने चाहिए ना कोई, जिससे आप शेयर कर पाओ, बात कर पाओ। अगर नहीं होगा पक्का घर जा रहे हो, ये आप लिख लो, मुझसे साइन करा लेना नीचे, आप चले जाओ। जितने भी लोगों ने अकेला रहा है, बात नहीं की, शेयर नहीं की, वो घर चला गया। तभी ऐसी रूपक उसमें थोड़ा ना लिख दिया घूमे माँ कहती प्रच्छति, ऐसे नहीं लिख दिया उन्होंने, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। सो दैट्स अनदर थिंग, प्लीज़ टॉक, बात। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोगों को इंट्रोवर्ट समझते हो ना, ज़्यादा बात नहीं करने वाले, कुछ लोग बात करने वाले होते हैं बहुत, तो वो तो चलो चल जाते हैं, कुछ लोग बात करने वाले होते हैं, अपने में रहने वाले होते हैं, होते नहीं होते हैं, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे नहीं करनी, मगर एक दो होने चाहिए जिससे आप बात कर पाओ, शेयर कर पाओ, वरना प्रेशर बनेगा अंदर, प्रेशर बन जाएगा, दिमाग फट जाएगा, घर चले जाओ, दो तीन को और को फाड़ गए जाओगे, यही होगा, खुद परेशान होंगे, यही करते हैं लोग, परेशान होते हैं दस लोग, दो लोग और परेशान करते हैं, भैया उल्टी फुल्टी बातें करना शुरू करते हैं, होते नहीं होते, जैसे उसको कहा भैया तू क्या, दूसरों क्या बोल रहे तू, तो बस यही है। सो प्लीज टॉक, और ओके, चौथी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, या और चौथी चीज़ नहीं, पहले चौथी चीज़ हेल्थ ठीक रखना अपनी, वही तभी मैंने पूछा था फॉल डाउन कर, हेल्थ ठीक रखना, हेल्थ सही नहीं होगी तो आप पक्का डिस्टर्ब होगे, बॉडी पे आएगी ना तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, बाकी चीज़ें आदमी फिर भी सहन कर लेता है, बॉडी पे आती है तो दिमाग घूमता है, स्पेसिफिकली जब आपके पास पैसे नहीं हैं और जब मंदिर पैसे नहीं दे रहा तब पागल हो जाओगे। आप बोलोगे मंदिर पैसे क्यों नहीं देगा, क्योंकि पैसे क्यों नहीं देगा मंदिर, दोगे नहीं दोगे कभी कभी नहीं भी देंगे, और वो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हम कहेंगे ठीक हो जाएगा, थोड़ा वेट कर लो है, हो सकता है ठीक भी हो जाए, मगर वो बंदा इतना घबरा जाएगा, उसको कहेगा नहीं मुझे तो ट्रीटमेंट चाहिए, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं हमारे यहाँ भी आश्रम में लोग बीमार हो जाते, मैं कह मुझे पता है ठीक हो जाएगा दो दिन में, एक लड़का आया था, वो उसके पेशाब में जलन हो रही थी यूरिन में, तो उन्होंने कहा प्रभु जी बीमार हो गया और खून आ रहा था उसके, बीमार हो गया, तो मैंने कहा लाइम जूस भी ठीक हो जाएगा दो दिन, वो घबरा गया उसने, लाइम जूस ये तो ब्लड आ रहा है, कोई दवाई ये वो। अब मुझे एज अ डॉक्टर मुझे पता है कोई दवाई काम नहीं करेगी, लाइम जूस से ठीक हो जाएगा, मैं वो घबरा गया। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, है नहीं, तो चलो वो तो मेरी बात मानता है, सो उसने लाइम जूस पिया, एक दिन में ठीक हो गया, मुझे पता क्या चल रहा है अंदर, मैं क्यों फालतू में दवाई दूँ। सो मगर कोई डिस्टर्ब हो गया फिर वो कहेगा नहीं नहीं हमारा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, ये वो हम जा रहे हैं, ऐसा होता है ना। सो इसलिए हेल्थ ठीक रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कुछ भी आपको थोड़ा सा हेल्थ में लग रहा है तो उसको कुछ सॉल्यूशन करो, उसको ठीक कर लो, है ना। तो हेल्थ ठीक करने का बेस्ट तरीका क्या है, कैसे ठीक करोगे, आपको लग रहा है मैं बीमार हूँ तो क्या करोगे ब्रह्मचारी आश्रम में, बेस्ट आइडिया है खाना मत खाओ, स्किप कर दो मील, उपवास, अपने आप ठीक हो जाओगे अगले दिन, देखो ये नहीं एक्स्ट्रा खा जाओ, ये थक रहे हैं, वीकनेस हो रही है, दबा के खा जाओ और बीमार हो जाओगे,
आप एक दिन स्किप कर दो, लिक्विड्स पी लो, लिक्विड पी लो ज़्यादा, तो अगले दिन अपने आप बॉडी रिकवर कर जाएगी। ब्रह्मचर्य आश्रम में बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है। क्लियर हो गया? क्योंकि आप दवाई ववाई थोड़े ना खाते रहोगे पागलों की तरह। लंघन, लंघन समझते हो? ये आयुर्वेद का मैजिक फॉर्मूला है। इसलिए जो जंगल में जो जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे क्या करते हैं, बीमार होते हैं क्या करते हैं बताओ? उनके दवाई तो होती नहीं, क्या करते हैं? वो खाते नहीं। आप देख लो कुत्ते जो बीमार चोट वोट नहीं लग जाती, कुत्तों को देखो आप, खाते नहीं, फिर वो अपने आप हील हो जाते। तरीका ही उनका ही है। सो एक एडवाइस है जस्ट, नहीं हेल्थ कभी ख़राब लग रही है तो मत खाओ, वीकनेस हो रही है लिक्विड्स पी लो, अपने आप रिकवर कर जाओ, समझे? जो हमारे पेशेंट्स होते थे ना, जो मैं डॉक्टर था, तो जो VIP रूम में होते थे वो मर जाते थे और जनरल वार्ड में पड़ा होता था भिखारी, वो ठीक हो जाता था। और मैं सोचता था यार ये क्या हो रहा है। आपने भी देखा वो, मैंने रिसर्च की, मैंने हो क्या रहा है यार, दवाई तो उसको अच्छी मिल रही है, इसको मिल नहीं रही, चक्कर है उसको खाना भी मिल रहा है वो दवा आके खा रहा है, नीचे हल्दीराम है वहाँ से भी मंगवा के खा रहा है हॉस्पिटल में होता है ये भिखारी, इसको दवाई नहीं मिल रही है, खाना भी नहीं मिल रहा, पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। तो अपने आप फास्टिंग से हीलिंग हो जाती है। फास्टिंग बहुत बड़ी पावर है, समझे? नेचुरल थेरेपी पूरी फास्टिंग पे बेस्ड है, समझे? क्लियर? समझ रहे नहीं समझ रहे हो? फास्टिंग कर लो, वीकनेस हो रही है उसके लिए लिक्विड्स ले लो, वीकनेस भी तो नहीं होनी चाहिए ना, अदरवाइज होगा, लिक्विड पीते रहो बस। सो एक टिप है बस आपके लिए, हेल्थ के लिए। ये मतलब बेसिकली बहुत सारी चीज़ें, बट ये गोल्डन टिप है, आपको याद रहे तो देख लेना। कोई बीमार है अभी, लाइम जूस बनाता, सिर्फ लाइम जूस पी लो, खाओ मत, समझे? तो एनर्जी भी आ गई, आप ठीक भी हो जाओगे, लिक्विड से सारा फ्लश हो जाएगा टॉक्सिन्स। क्लियर हो गया? तो बॉडी रिकवर कर जाएगी। ओके, हेल्थ। और पांचवी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, हायर टेस्ट है। नहीं, हमने बोला था ना असंतुष्टि की वजह से टेस्ट नहीं मिल रहा। साधना डिसिप्लिन में आ गई, आपका साधना ठीक रखनी है, वो डिसिप्लिन में हो गया है ना। आश्रम लाइफ में डिसिप्लिन है, साधना आपकी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हायर टेस्ट, रस लेना बहुत ज़रूरी है। रस क्या है वो मैं डिस्कस करूँगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आपको हायर टेस्ट नहीं आया तो आप गए कौन से? हायर टेस्ट का एक एक लाइन में मतलब क्या है कोई बताएगा? मैं भी डिस्कस नहीं करना था, बट हायर टेस्ट का मतलब क्या है? है ये तो थोड़ा अजीब सा नहीं हो गया? बहुत ब्रॉड हो गई ना डेफिनेशन, ब्रॉड ब्रॉड समझते ना, अति व्याप्ति हो गई, ऐसे एक स्पेसिफिक नहीं हुआ। मज़ा मज़ा खतरनाक वर्ड है मज़ा तो हम यूज़ करते ही नहीं, बट कह सकते हो आप सेवा में आनंद मज़ा आ रहा है, मगर वो हायर टेस्ट नहीं है, क्योंकि मज़ा तो सहजों में भी आता है ना। और नए डिवोटी को तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, पुराना डिवोटी तो आराम से कर लेंगे यार, उसको नया डिवोटी हाँ ये लगे पड़े है। पॉइंट है मगर क्रिटेरिया नहीं है, मेन चीज़ ये नहीं है हायर टेस्ट में, समझे? हायर टेस्ट का मतलब ये नहीं कि आपको मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, उससे कभी कंफ्यूज मत होना। हायर टेस्ट का मतलब कुछ और है, थ्योरी है सर। आपको कैसे पता गुरु महाराज खुश हैं? क्या मेल लिखते रहते हो क्या? क्या पता मतलब क्या, आपको क्या पता आप सिर्फ टीचिंग फॉलो कर रहे हो तो महाराज खुश है? हो सकता है सही से फॉलो ना कर रहे, फिर आंसर्स हैं मगर इससे पता नहीं लगेगा, समझे? आंसर होते हैं जिससे पता लगता है, समझे? आंसर बहुत सारे होते हैं, कुछ आंसर से पता नहीं लगता, एब्स्ट्रैक्ट रहेगा, है ना? कैसे होगा महाराज, क्या थोड़ा ना रह रहे हो महाराज, क्या रह रहे हो तब भी नहीं पता लगेगा, पर्सनल संबंध तब भी नहीं पता लगेगा, देख लेना। क्यों आप तो रहे हो ना, हम सब रहे हैं, नहीं पता लग सकता, मुश्किल है। ये थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज़ है हमारे अंदर जिससे हमें पता लग जाए। वो तो कॉमन चीज़ है, वो तो नए डिवोटीज़ में भी होती है बहुत, नहीं पता लगता ना उसको, नया टेस्ट थोड़ा ना आ रहा है नए डिवोटी का, है ना? उससे पता नहीं लगेगा ना, वो तो आपको भी बढ़ रही है ना, तो आपको हायर टेस्ट आ रहा है, कोई नहीं आ रहा,
रस हायर टेस्ट बहुत बड़ी चीज़ है भाई। चलो मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ आपने कुछ आंसर बताया, वो नेगेटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में मैं बताऊंगा, कल डिस्कस करूंगा जब जब नाम रुचि आएगी ना, नाम रुचि वैष्णव सेवा उसमें बताऊंगा। बट हायर टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। हायर टेस्ट कैसे आएगा उसका तरीका बता देता हूँ। कृष्ण की लीलाएँ रोज़ पढ़ना, पास टाइम्स रोज़ पढ़ना, समझे। भगवान ने लीला इसलिए की है कि उससे हमें रस आ जाए। सो कृष्ण बुक प्रभुपाद ने कहा रोज़ पढ़नी चाहिए। सुना है प्रभुपाद का ऑर्डर है। क्यों कहा है? भगवान के पास टाइम्स पढ़ेंगे तो उससे रस आएगा। ये तो है ना, पिबतम भागवतम रसमालयम, है ना, ये इतना तो है ना। पढ़ता है कोई यहाँ पर रोज़? कोई पढ़ता है कृष्ण बुक? कौन पढ़ता है रोज? ओके गुड, शेड्यूल में अच्छा है ही, ठीक है। तो सबने तो हाथ खड़ा नहीं किया, येलो वालों ने खड़ा नहीं किया सबने हाथ, जाते नहीं होंगे। सो हायर टेस्ट कृष्ण, बाकी लाल वाले नहीं पढ़ते क्या? और वाइट वाले नहीं पढ़ते क्या? देखो ये लाइफ का प्रिंसिपल बना लो, भगवान के पास टाइम से पढ़ोगे आप नहीं निकल सकते हो। तव कथा अमृतम तप जीवनम, ऐसे ही थोड़ा ना बोल दिया गोपियों ने। सो हमेशा इधर उधर भागते रहना, उससे भी आदमी पूरी लाइफ नहीं चल सकता। अंदर रिलिशमेंट भी होनी चाहिए, है ना। सो भगवान के पास टाइम्स पढ़ लो, 10th कैंटो पढ़ लो, जो सीनियर डिवोटीज हैं नए डिवोटीज कृष्णा बुक पढ़ लें और जो भी है, ठीक है ना। हायर टेस्ट पास टाइम्स पढ़ने से आता है। नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ लो, भगवान की क्वालिटीज़ हैं 20 चैप्टर 20 के बाद, कितना अच्छा है। सीसी पढ़ लो, सीसी और कृष्णा डिफरेंट नहीं है, बट बेसिकली आप कृष्ण को ढूंढो। वहाँ किताब में कृष्ण को ढूंढो, पॉइंट्स को मत ढूंढना, समझे। उसमें फ़र्क है, लोग पॉइंट्स को ढूंढते हैं, है ना। इसमें 4 पॉइंट होंगे, 5 पॉइंट होंगे, वहाँ लेक्चर में कोट कर दूंगा, ये वो मत ढूंढो, कृष्ण को ढूंढो। कृष्णा कितने सुंदर हैं, यशोदा माँ कृष्ण को देखती हैं तो उनको कितना अच्छा लगता है। इसको कहते हैं हायर टेस्ट। हायर टेस्ट मतलब होता है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट एक मतलब होता है भगवान और भक्तों की भावनाएँ। भगवान और भक्तों की जो भावनाओं को जब हम रैलिश करते हैं, उसका आस्वादन करते हैं, उसको रस कहते हैं बस। तो वो पास टाइम्स में है, कृष्णा बुक में है। हम यही तो पढ़ रहे हैं, कैसे गोपियाँ प्रेम करती हैं, कैसे यशोदा माँ प्रेम करते हैं, ऐसे नंद बाबा कैसे कृष्णा उनको प्रेम करते हैं, यही हम जानना चाहते हैं ना। आफ्टर ऑल प्रेम ही तो लक्ष्य है, प्रेम मतलब रस। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ओके सो ऑलमोस्ट इन द एंड, अब मुझे बताओ कि ये सब सुनने के बाद भी आपका फॉल डाउन हो गया तो क्या करोगे? मैंने सारी आपको ट्रिक्स बता दी, एक्सटर्नल इंटरनल सब कुछ, मगर फिर भी आप कुत्ते की पूछ टेढ़ी, माइंड इतनी जल्दी थोड़ा ना काबू में आ जाएगा एक क्लास से। सो क्या करें फिर, क्या करते रहे? कृष्णा क्या कह रहे हैं गीता में? अभ्यास है ना तू कौन थे जगह्यताम प्रैक्टिस। बट उससे अच्छी एडवाइस भगवान खुद उद्धव को दे रहे हैं। दिस इज वर्स 11th कैंटो 20th चैप्टर 27-28 वर्स 11, 20, 27, 28 वर्स। बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, जीवा गोस्वामी बार बार कोट कर रहे हैं बार बार। अगर आपको श्लोक नहीं पता तो डूब के मर जाओ, बट है ही ऐसा वर्स, ये याद कर लेना, इवन भूलना। पता नहीं आपने सुना है, नहीं सुना 27-28। जात श्रद्धा मत कथासु क्या है, निर्विन्न सर्वकर्मसु, वेद दुखात्मा कान कामान परित्यागे अपि अनीश्वरे ततो भजेत माम प्रीत श्रद्धालु निश्चय, जुषमानश्च तान कामान दुखोदर कामश्च घरयान। भगवान कह रहे हैं ठीक है, भगवान कह रहे हैं देखो, कामान परित्यागे अपि अनीश्वरे, अगर आप काम वासना को छोड़ने में असक्षम हो, जात श्रद्धा मत कथासु, आपको मेरी भक्ति कर रहे हो, आपको फेथ है, सब कुछ है, हमें हम ही है ना, मगर हमने सबको क्लास भी सुन ली, बट फिर भी अप्लाई भी कर रहे हैं ट्रिक्स, फिर भी काम वासना को छोड़ने में अनीश्वर, अनीश्वर मतलब असक्षम है कंट्रोल करने में, यही स्टोरी है ना हमारी, है नहीं?
क्या है आंसर? हाँ अभी ऐसे कर रहे हो मरे मरे, यही स्टोरी है तो हाँ बोलना चाहिए ना जोश से, ऐसे ही है, शर्म तो नहीं आ रही, यही है हम सबकी स्टोरी। सो ततो भजेत माम प्रीतः, कृष्णा कह रहे हैं फिर क्या करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जुष्यमानाश्च एंथुजियास्टिक रहो। भगवान ये नहीं देखते आप कितनी बार गिर रहे हो, भगवान ये देखते हैं गिरने के बाद कितनी बार उठे हो। क्योंकि जब बच्चा चलना सीखता है तो बच्चा हजार बार गिरता है, पेरेंट्स को कोई आश्चर्य होता है? बच्चा मगर जितनी बार उठ के चलता है उसमें आश्चर्य होता है, और ये खड़ा हो गया। सो हम तो गिरेंगे ही, वो तो नेचुरल है, गिरेंगे नहीं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं होते। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हज़ार बार गिरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हज़ार बार खड़े हो जाओ, जिसे हमारा एंथुजियास्टिक रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उत्साह रखो। मगर तान कामान दुखो दरकांस घरियान, मगर ग्लानी ज़रूर होनी चाहिए। दो चीज़ें भगवान कह रहे हैं, दो चीज़ें रखना अपने माइंड में, उत्साह और ग्लानी। अगर उत्साह नहीं होगा तो डिप्रेस हो जाओगे, चले जाओगे घर। उत्साह होगा, ग्लानी नहीं होगी तो क्या होगा, उत्साह है ग्लानी नहीं है तो क्या होगा, तो अब उस वही उसी में फंसे रहोगे, उसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे। ग्लानी होनी चाहिए कि मैं करेक्ट करूं, भाई गलती हो गई ठीक है यार कोई सोल्यूशन ढूंढूं, और उत्साह है कि आगे बढ़ो, दोनों होने चाहिए, ग्लानी उत्साह, भगवान के एडवाइस है, और चलते रहो कोई प्रॉब्लम, 10 साल 20 साल 25 साल कोई नहीं, चलते रहो बस। सो ये भगवान की एडवाइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साधु संग में रहो और चलते रहो। और वो जो मैंने टेक्निक्स बताई थी, जो सॉल्यूशन दिया उसको अप्लाई करते रहो, कोई आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है उसको सॉल्व करो, कुछ नहीं है समझ आ रही कंसल्टेशन ले लो सीनियर डिवोटी से, और उसको करेक्ट करने की कोशिश करो। ओके सो आई एंड अप हियर, और लास्ट में पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर आप मुझसे पूछना। मेरा क्वेश्चन है कि हम ब्रह्मचार्य क्यों पालन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं पालन? वो तो फुल टाइम की बात कर रहे हैं, ब्रह्मचार्य की बात कर रहा हूँ, गृहस्थ भी ब्रह्मचारी हो सकता है, वो भी शुद्ध हो सकता है मन में, है ना? क्यों पालन कर रहे हैं ब्रह्मचारी? सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं है, गृहस्थ भी ब्रह्मचारी हो सकता है, महाराज की बुक पढ़ी है नहीं पढ़ी है, वो भी शुद्ध हो सकता है मन में, और शादी करना कोई पाप थोड़ा ना है, वो कृष्णा खुद कह रहे हैं धर्मा विरुद्धो काम अस्मि, धर्म के जो विरुद्ध काम नहीं है वो मैं हूँ, गलत नहीं है, ऑफकोर्स हम नहीं करते शादी क्योंकि हमें पता है टाइम वेस्ट होता है, बस ये है इसलिए हम शादी नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट है और झंझट है। अदरवाइज हम ब्रह्मचार्य क्यों पालन कर रहे हैं, व्हाट डू यू से आप बताए? तो हाँ कह सकते हो, सेकंड रीजन है, फर्स्ट क्या है? हाँ ये तो आंसर कॉमन आंसर, यूनिवर्सल आंसर है जो सब जगह फिट हो जाएगा, बट ठीक है आंसर क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ठीक है। मगर अभी मुझे बताओ आपका सीमेन आपके पास पड़ा है तो भगवान को क्या प्रसन्नता हो रही है? भगवान को क्या लेना देना उससे? मतलब क्या पॉइंट क्या है? कैसे प्रसन्न हो रहा है, क्वेश्चन वही है। ठीक है एक काम कह सकते हो कि सेंस कंट्रोल करके उसकी सारी एनर्जी में भगवान की जो एनर्जी वहाँ वेस्ट हो रही है वो सारी एनर्जी सेवा में लगा रहा हूँ तो भगवान खुश होंगे। ओके गुड, पहला आंसर ये हो गया। हम ब्रह्मचार्य क्यों पालन कर रहे हैं कि हम अपनी सारी एनर्जी भगवान की सर्विस में लगाना चाहते हैं, जो एनर्जी वहाँ वेस्ट हो रही है उसको भी रोक कर हम वहाँ लगा रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं प्रार्थना में, कृष्ण काम कर्म अर्पणे, काम वासना को सेवा में लगाना। कैसे? जो एनर्जी वहाँ, काम वासना एनर्जी है ना एक, उस एनर्जी को हम रोक के भगवान की सेवा में लगाएं तो ठीक है, भगवान को फ़ायदा हो रहा है, भगवान खुश होंगे, भगवान को फ़ायदा हो रहा है ना उसमें, उनकी चीज़ें बढ़ रही हैं तो वो खुश होंगे। ठीक है एक दूसरा,
दूसरा क्या है? ब्रह्मचारी के बिना हम शास्त्र को समझ नहीं सकते। ये क्या है, इतने सारे गुरु ऋषि मुनि शादीशुदा थे और अच्छा वैसे कह रहे थे ब्रह्मचारी, ठीक है, मगर ये फर्स्ट रीज़न नहीं है। फर्स्ट रीज़न क्या है? अभी भी फर्स्ट नहीं हुआ ना, शास्त्रों को समझ नहीं सकते। क्या कह रहे हैं? एक जगह पे आता है तीसना उधर परायण कृष्ण नहीं पा रहे, हाँ। तो जो तीसना और उधर को परायण होते हैं वो भगवान को नहीं पा सकते, ठीक है, ठीक है, चलो फर्स्ट नहीं है, लिस्ट में है, बिल्कुल सही कहा है। फर्स्ट पूछना है, फर्स्ट 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 का रंग बताओगे लिस्ट में, फर्स्ट क्या रखोगे? फर्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट रीजन। कृष्ण परम शुद्ध के पास जाना है, ओके, दैट माइट बी कंसिडर्ड, हो सकता है फर्स्ट, ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए इसी में और या समझा रहे हैं, बोलो जल्दी बोलो। जब तक माइंड में अपने सेंसेस को सेटिस्फिकेशन का थॉट चलेगा तो भगवान को प्रसन्न करने का टाइमिंग नहीं। आंसर बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सब आंसर ठीक है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट आंसर पता होना चाहिए सबको। फर्स्ट ये है, हम इसलिए ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। गीता में श्लोक आता है 3rd chapter 9th verse, सुना है? यज्ञ अर्थात लोकोयम कर्म बंधन, ब्रह्मचर्य भी एक यज्ञ है, सुना है? 4th chapter 26th verse, ब्रह्मचर्य यज्ञ बोला है भगवान ने, जो अपने इंद्रियों को मन के संयम में डालता है वो ब्रह्मचारी है ना। इति जुहवती, भगवान यज्ञ बोल रहे हैं, ब्रह्मचारी भी यज्ञ है। ब्रह्मचारी किसके लिए होना चाहिए? यज्ञ अर्थात कर्म नेत्र, भगवान के प्लेजर के लिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे है, भगवान को प्लेजर कैसे मिल रहा है वो पता होना चाहिए। अब चक्कर ये पता है क्या है? भक्ति क्या है? भक्ति मतलब हम भगवान के सेवक बनना चाहते हैं, भगवान से प्रेम है ना। सो काम वासना क्या, आप सोच के देखो, काम वासना क्या है? कि आप संसार से प्रेम कर रहे हो ना, यही है ना, संसार से आकर्षण, संसार को प्रेम करना काम वासना ही हो गया, क्लियर है ना। हम कह रहे हैं मगर भगवान से प्रेम करो, तो प्रेम एक ही चीज़ से होता है ना। अगर एक लड़का किसी लड़की को प्रेम करता है और वो कहे यार मैं किसी और को भी प्रेम करता हूँ, तो क्या होगा? तो क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताओ, है क्या? है यार आप लोग तो, मैं कह रहा हूँ आप किसी लड़की से प्यार करते हो और वो उस लड़की को पता लग गया आप किसी और से भी प्यार करते हो, तो क्या होगा? हाँ चीटिंग नहीं, अगर चीट कर रहे हो वो चली जाएगी छोड़ के, बात ही नहीं कर, थप्पड़ पड़ मार देगी, कुछ हो जाएगा, दैट्स अ होल पॉइंट। इसलिए ब्रह्मचारी इसलिए पालन कर रहे हैं क्योंकि भोग करना काम वासना भगवान से विश्वासघात है, समझे? क्योंकि ये रास्ता प्रेम का रास्ता है भगवान से, है ना। किसी और से प्रेम करना वो भगवान को हम विश्वासघात कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, और वो डिवोटी को एक हर्ट करता है हार्ट में, जिसको जिसके लिए हम जी रहे हैं उसको हम धोखा देंगे, बताना ज़रा। इसलिए हम ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, समझे? जैसे लड़का एक ही लड़की को प्रेम करता है और किसी को नहीं करता, और लड़की भी टॉलरेट नहीं करती कि किसी को प्रेम ना करे, है ना, उसी प्रकार हम भी केवल कृष्ण को ही प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, हम और किसी को प्रेम नहीं करते, संसार में कुछ प्रेम नहीं करते, ना कृष्णा टॉलरेट करेंगे हम किसी को प्रेम करें, भगवान कहेंगे मुझे धोखा दे रहे हैं। अब भगवान के एंगल से सोचोगे तो ब्रह्मचर्य पालन करने का अच्छा रीज़न होगा, समझे? क्लियर हो गया? सो हम ब्रह्मचर्य क्यों पालन करना चाहते हैं, जल्दी बताओ, कृष्ण को क्या है, बोलो तो सही। हाँ, कृष्ण को हम धोखा नहीं देना चाहते, इसलिए कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा रीज़न है। आप इस रीज़न से आगे कर पाओगे, अदरवाइज
कर नहीं पाओगे चीज़ें। बहुत बड़ी फोर्स है ना, इसको रोकना आसान नहीं है इसको। ओके सो दैट्स द पॉइंट। बाकी आपके आंसर ठीक है, वो थर्ड फोर्थ पॉइंट फिफ्थ में लगा लेना आप। पहला आंसर ये सही है, नहीं सही है, क्या कहते हो? हाँ या ना? ये पहला लग रहा है, नहीं लग रहा है, या सेकंड लग रहा है? ये पहला ही है ये, क्योंकि प्रेम से जुड़ा हुआ है, बाकी पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ओके सो दैट्स इट अबाउट ब्रह्मचर्य। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट मैं क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ आप लोगों के, इसलिए मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ पर ये क्लास। मैंने जो भी बताया है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताइए, अगर आप एक भी पॉइंट मिस कर दोगे तो आप ब्रह्मचर्य रहना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मतलब ये क्या हो गया, मतलब मैं चाहता नहीं आप ब्रह्मचारी ना रहो, बट जो प्रोसेस फॉलो करेगा वही आगे बढ़ेगा, जो नहीं करेगा वो तो चाहे गुरु महाराज भी आ जाए, चाहे कृष्णा भी आ जाए, आप नहीं रह पाओगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई क्वेश्चंस हैं? एनी क्वेश्चंस? दैट्स ओके।